एक ऐसा मॉडल था जिसकी तारीफ पूरे प्रदेश में हुई थी, और अब जब कोविड का दूसरा दौर चल रहा है और आज जबकि जन सहयोग अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो गया है, वैसे में किस तरह के हालात वहाँ पर हैं जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अनिल हमसे दशरथ हमसे जुड़े हैं रामगंज बाजार से। दशरथ, किस तरह का अनुशासन नजर आ रहा है, क्योंकि इसको नाम जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है, क्या लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं या फिर प्रशासन को कोशिश करनी पड़ रही है इसकी पालना करवाने के लिए? देखिए निश्चित तौर पर पिछली बार कोरोना की वजह से खासकर भीलवाड़ा और उसके बाद में रामगंज मॉडल की सराहना की गई थी, लेकिन आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सरकार ने असेंशियल यानी कुछ आवश्यक सेवाओं में छूट दी, लेकिन इन आवश्यक सेवाओं का छूट का फायदा कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। और आप ये बाजार देख सकते हैं, आम दिनों की भांति ही इस बाजार में रेलम पेल आपको नजर आ रही है। तमाम लोग घर से निकल गए हैं और यहाँ पर पहुंच गए हैं और बाजार में कह सकते हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, बाकायदा वो घूम रहे हैं। हालांकि प्रभात, खास तौर पे मास्क उनके मुंह पर नहीं जरूर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जरूरी सेवाओं में सभी तरह की दुकानें शामिल हैं। ये हालांकि गाइडलाइन में नहीं है, लेकिन गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कोई पखवाड़ा यहाँ पर चल रहा है, या कर्फ्यू की जो डेडलाइन है वो 3 तारीख तक की गई है। इस तमाम तरह के जो सरकार की तरफ से जो कागजी दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं हवा होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुशील यादव जो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि रामगंज जो मॉडल है उसकी 1 साल पहले सराहना मिली थी उस मॉडल को, भीलवाड़ा मॉडल के बाद, लेकिन आप जो गाड़ियों की रेलम पेल देख रहे हैं बाजार में, कह सकते हैं जो लोग घूम रहे हैं उनको देखते हुए कहीं नहीं लगता कि यहाँ पर कर्फ्यू है, या यहाँ पर जो पखवाड़ा सरकार की तरफ से लागू किया गया है 3 मई तक, क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हालांकि छोटी मंडी है सब्जी मंडी, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग आराम से घूम रहे हैं, यानी कि गाड़ियों की जो रेलम पेल है, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा जो यहाँ पर ज्यादातर मूव करता है आम दिनों में, 2 दिन हमने यहाँ पर जरूर देखा जो कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया था उसका कहीं कहीं प्रभाव नजर आया, लेकिन इस बार प्रभाव न के बराबर है। यानी कि मतलब साफ है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन 1 दिन पहले रात को जारी की गई थी और 15 दिन का कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेवाएं बंद की गई थी, उसमें कई आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवाओं में जो ढील दी गई उसी का लोग फायदा उठा रहे हैं और तमाम कह सकते हैं गाइडलाइन को दत्ता बताते हुए बाजार में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभात निकल रहे हैं बेरोक टोक। पुलिस के लोग जरूर खड़े हैं, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पर हैं वो न कोई गाड़ी की चेकिंग हो रही है उनके द्वारा, न किसी प्रकार का किसी से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, कहाँ वो जा रहा है। बिना रोक टोक ये तमाम लोग जो है यहाँ पर घूम रहे हैं। जी तो ऐसे में अगर कोरोना से आपको लड़ना है, कोरोना की जद से जयपुर को बाहर निकालना है, तो फिर क्यों नहीं कानून कायदों की जो परवाह आमजन कर रहा है या प्रशासन की जो ढिलाई है वो आने वाले दिनों में महंगी पड़ सकती है। प्रभात, बिल्कुल दर्शक, देखिए जरूरी सेवाओं को थोड़ा सा कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, ये स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि जरूरी सेवाएं क्या। जरूरी सेवाओं के नाम पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, इनके नाम पर मिठाई की दुकानें खुली हुई हैं, ये किस तरह से जरूरी सेवाओं में हो सकती हैं, इसको प्रशासन या सरकार की तरफ से सुनिश्चित करना जरूरी है। पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकिन अगर वो पालना नहीं करवा रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं यहाँ पर और अपनी आज की हाजिरी पूरी करके शाम को घर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात पहले पैदा हुए थे, आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से, हालांकि ये बात सही है कि लोग इसमें पालना नहीं कर रहे हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन उसमें असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर लोग नहीं मानते हैं तो जिम्मेदारी प्रशासन की थोड़ी बढ़ जाती है, सरकार की थोड़ी बढ़ जाती है। अगर कोई गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को दूर किया जाए, नहीं मान रहे हैं तो सख्ती बढ़ाई जाए। देखिए निश्चित तौर पे जब तक आप सख्ती नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप इस तरह के हालात से काबू में उसको नहीं कर सकते।
क्योंकि सख्ती बढ़ाना बेहद आवश्यक है। हालांकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन में छूट दी गई है उसका कहीं ना कहीं लोग फायदा उठा रहे हैं, और खास तौर पे जैसे शराब का आपने जिक्र किया, शराब का कह सकते हैं एक दिन पहले शराब की दुकानों को छूट नहीं दी गई, लेकिन आज सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से कह सकते हैं गाइडलाइन जारी करके कह सकते हैं शराब की दुकानों को छूट दी गई। अब ऐसे में शराब की दुकानों को छूट दी गई तो कई लोग इसका गलत मिसयूज उठा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई उसके बाद जो पुलिस महकमा है वो चेता इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, तमाम ये लोग अब कहीं ना कहीं बाहर से निकल के आ रहे हैं, गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक मीडिया अपनी जिम्मेदारी होती। जी जी प्रभात, आपके साथ वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्योंकि लग रहा है शायद तस्वीरों का असर जन टीवी की जो खबरें है उसका जो असर है वो नजर आने लगा है, अगर किसी पुलिस अधिकारी से बात हो सके तो क्या किसी तरह की सख्ती के लिए यहां पर अचानक से नफरी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा, और हालांकि वो दूर चले गए, लेकिन पुलिस महकमे के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम समझाइश हम पहले कर लें, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सख्ती नहीं होगी, एक कहावत है प्रभात आपको ध्यान हो तो, भय बिना कोई प्रीत नहीं होती, अगर भय नहीं होगा जनता में आम जन में तो फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं अनुशासन में ला सकते हो। सरकार गाइडलाइन तय कर दे या तमाम चीजें कह सकते हैं तय कर दे, कोरोना को बचाने कोरोना बचाव के लिए लोगों पर तरह तरह की चीजें कर दे, लेकिन जब तक उन पर सख्ती नहीं होगी, क्योंकि जनता जिस तरह का जनता ने बिहेव किया है पिछले 15 से 20 रोज का, उससे जयपुर के हालात बिगड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सख्ती बेहद जरूरी है। अब आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है पुलिस। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर, और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।